रोईज़ दलार जया मसीह की एक और बार स्वागत है आपका विजनर रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम द बाइबल ट्रूथ बाइबल की सच्चाइयाँ हमने एक प्रोग्राम पहले भी शुरू किया था दैट प्रोग्राम नेम व बाइबल हिस्ट्री और द फेथ हिस्ट्री शो ये फेथ हिस्ट्री जो है बहुत महत्वपूर्ण है वैसे उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट एंड इन दैट प्रोग्राम स्पेशली आई टॉक्स अबाउट जो इतिहास से संबंधित है बाइबल की पुस्तकों के बारे में लोगों के बारे में जो इतिहास है एंड इन द डेज टू कम यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स अबाउट इट रेगुलर जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनमें लगातार जुड़े रहिए बने रहिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हर रोज कुछ ना कुछ नया है आने वाले दिनों में आप और भी बेहतर चीज़ों को देखेंगे प्रभु का आत्मा हम सबको प्रेरित करें अमैन पिछली बार हमने बात की थी जो हमारा आज दूसरा पार्ट है और ये है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना परमेश्वर की बात को सुनना बहुत बार लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ठीक से समझ नहीं पाते और ऐसी बातों के लिए लोग प्रभु के सेवकों पर दोष लगाते हैं कि पास्टर ने ठीक से सिखाया नहीं आ, जो कुछ हद तक ठीक भी है पर कुछ हद तक ये बिल्कुल सही नहीं है सौ प्रतिशत हम प्रभु के सेवकों पर दोष नहीं लगा सकते देखिए चर्च में बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ होती हैं बहुत सारी बातें होती हैं आज जो मैं आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ डिटेल में जो आपको मैं बता रहा हूँ ये चर्च में भी उस प्रकार से प्रचार करना आसान नहीं होगा क्योंकि चर्च की जो कांग्रीगेशन है वो अलग अलग तो प्रकार की होती है कुछ लोग पहली बार आए होते हैं कुछ लोग देर से आए होते हैं तो अपने पास्टर को समझिए कभी कभी आपको लगता होगा कि उनके संदेश एक जैसे हैं तो समझिए उनको इतनी जल्दी निर्णय मत लीजिए कि उनको कुछ आता नहीं है या वो नहीं है ऐसे कई बार लोग कहना शुरू कर देते हैं बाद में कहते हैं या कोई आपको अगर कह रहा है तो उसमें हाँ हाँ मत मिलाइए क्योंकि हाँ में हाँ मिलाने वाला भी दोषी होता है मेरे प्रियो अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो मैं आपको पहले से आपको बताऊंगा उस बारे में चुप रही एम सॉरी मुझे इसके बारे में नहीं पता मैं नहीं जानता या मैं जानना चाहूँगा या मैं बाद में सीखूँगा इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके आप पाप से बच सकते हैं ये भी गंभीर बात है पता है दुनिया में और मसी लोगों में अंतर क्या है सिर्फ ये अंतर है दुनिया पाप करके भी सोचती नहीं है लेकिन हम पाप करने से भी पहले सोचते हैं और हमें मालूम है कि पाप क्या है उन्हें वो भी नहीं मालूम बेचारे अब आगे ओके आई फाइन गिव लेकिन ये वे जो तैयार होगा वो आपके और मेरे द्वारा तैयार होगा एंड लर्निंग परमेश्वर की आवाज को सुनना जब अगर आप वाकई में अच्छी रीति से सीख जाएंगे तब आप औरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे भलाई का कारण ठहरेंगे और ये भलाई ये आशीष का प्रकट होगी जब आप वाकई में परमेश्वर के साथ सच्ची अच्छी संगति कर पाएंगे सो so, परमेश्वर की योजना प्रत्येक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात हमें जानना जरूरी है जो हमने पिछली बार भी बात की थी एक शोकापूर्ण वास्तविकता है कि अपने स्वार्थ और हटीलेपन के कारण अपनी योजना को पूरा करने के प्रयास में परमेश्वर की योजना से भटक जाना संभव है ये शोकपूर्ण बात है बहुत बार हम अपनी ही मर्जी को पूरा करना चाहते हैं क्या रहेगा अगर कैसा रहेगा अगर मैं अब्राहम के बारे में बात करूं अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख मैं तुझे संतान दूंगा और इतनी कि दुनिया में कोई नहीं है जो तुझे वो संतान गिन पाएगा क्या आज भी गिन पाएंगे भारत में भी जो मसीह लोगों की जनसंख्या है किसी को एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि कितने हैं सेंसस की बात करें तो 2001 में जो सेंसस यानी कि जनगणना जब हुई थी तो दैट इज़ अबाउट वन लेस देन वन परसेंट राइट एक प्रतिशत से भी कम पर अगर हम दूसरी रीति से बात करें फेथ के बारे में बात करें तो कुछ लोग कहते हैं फाइव परसेंट से लेकर सेवन परसेंट तक पूरे भारत में मसीह लोगों की संख्या है विच इज ऑल्सो नॉट द स्मॉल नंबर क्योंकि भारत बहुत बड़ा है तो इसका अर्थ क्या है नो वन नोस इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पर फिर भी किसी को एग्जैक्टली exactly पता नहीं है कि कितने लोग मसीह में वाकई में मसीह में हैं जो विश्वास में हैं मेरा नंबर भी नहीं आता क्योंकि मैं आकाशदीप शर्मा हूँ आज भी वही थूँ जो पहले था लेकिन अब मैं मसीह का हूँ और मसीह मुझ में है ऐसा डिफरेंस राइट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टूड की गई और इसीलिए ये डिफरेंस के बारे में बात की जाती है पर योजनाएं पर जब मैं बात करूँ सारा को परमेश्वर ने योजना दी अब्राहम को दी अब्राहम की इस योजना परमेश्वर की योजना जो अब्राहम के लिए पूरी होनी थी सारा इंतज़ार ना कर सकी अब महिलाएं उसका मजाक उड़ाती होंगी या जो भी और कोई भी कारण रहे होंगे लेकिन इसके कारण आप परमेश्वर की योजना को और आज्ञा को अगर आप टाल रहे हैं तो आप तो दोषी ठहरे आपने गलती की भले आज्ञा नहीं थी कि योजना थी और इस योजना को टालने के लिए कौन था यहाँ पर सारा ने काम किया सारा को लगा कि मैं जब मैं बच्चे जनने से अधूरी हूँ मैं बच्चे नहीं जन सकती मैं बांझ हूं और अभी तक मेरे ना बालक न कोई बालक का उत्पन्न हुई है तब उसने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा कार्य करूँ जो कि अलग रहेगा और उसने अपनी अपनी दासी जिसका नाम हाजिरा था जो एक मिस्री औरत थी दूसरे फेत की औरत एक अलग स्थान की अलग देश की औरत उस दासी को अब्राहम को दिया कि वो उसकी पत्नी ठहरे अब्राहम उसके द्वारा बालक उत्पन्न करे अब्राहम वाज नॉट हैप्पी अबाउट दिस पर क्या अब्राहम बहुत जो है आ, बिल्कुल क्या कहूँ पत्नी व्रता राइट आ, शायद और कुछ भी शब्द हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ लेकिन अब्राहम वचन कहता है कि अब्राहम की और रखेलियाँ भी थी उनसे भी बच्चे उत्पन्न हुए लेकिन सबको अब्राहम ने जो पैसा वैसा दे दुआ के सबको बाहर कर रखा थे लेकिन हाजिरा के साथ उसके रिश्ते बनने के लिए अब्राहम राम वॉज नॉट रेडी लेकिन यहाँ पर सारा ने इस पर जोर दिया जबरदस्ती की नहीं तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न करेगा मैं उसे अपने गोद में उत्पन्न करूँगी जन्म देने के लिए रखूंगी और वो मेरा कहलाएगा इज दैट वॉज द प्लान ऑफ गॉड क्या ये परमेश्वर की योजना थी नो नॉट एग्जैक्टली ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और तभी ऐसा होता है कि परमेश्वर की जो यो योजना को है उसमें अड़ंगा लगाया गया है वेल, well, इसमाइल का जन्म होता है और उसके बाद परमेश्वर की अभिषेक से आशीष से दया से सारा के लिए इसहाक का भी जन्म होता है और जब इसहाक का जन्म होता है तो दोनों भाइयों में आपस में झगड़े के कारण सारा जो है हाजिरा से घृणा करने लगती है और फिर वो अब्राहम से ज़िद्द बहस करती है और ज़बरदस्ती अब्राहम को मनाती है अब्राहम मानता नहीं है कि मैं इसहाक जो है इस्माइल को भेज दूं हाजिरा को घर से बाहर निकाल दूं क्योंकि वो बेटा है उसे अब्राहम उसे प्रेम करता था लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कहा उसे जाने दे जैसा सारा कह रही है बस वैसा कर ये प्लान नहीं था लेकिन इस प्लान को भी परमेश्वर ने आशीष दी जो कि बिगड़ गया वेल द इम्पॉर्टेंट थिंग येस जैसा कि हम देखते हैं मनुष्य की हटीलेपन और उसके व्यवहार के कारण वो परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की योजना के जो है उसको पूरा कर उस उस योजना को वो तोड़ देता है उसे डिस्टर्ब करता है और इसका प्रयास जो है परमेश्वर की योजना से भटक जाना संभव है क्योंकि मनुष्य ऐसी हरकतें करता है वेल well, अगर इस पर और ध्यान दिया जाए तो आइए हम देखते हैं पथ प्रदर्शन की शर्तें परमेश्वर किन शर्तों पर आपको अपना मार्ग दिखाएगा मैं आपके सामने छह ऐसी शर्तें रखने वाला हूं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है आई ऑलवेज स्पीक अबाउट वर एवर यू स्पीक स्पीक फ्रॉम द वर्ड ऑफ कार जो भी आप बोलते हो परमेश्वर के वचन से बोलो अगर उसके अलावा कोई बोलता है तो मेरे प्रियो दैट्स नॉट दी एक्सेप्टेबल पर यह भी जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है क्या वो सही रीति से पढ़ा गया है क्या सही संदर्भ है बहुत सारे लोग वचन को गलत तरीके से और गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं विच इज़ नॉट एक्चुअली राइट इन बातों के लिए परमेश्वर नाराज होता है और उसका प्रतिफल भी वो जरूर देगा वेल लेट्स रीड पद प्रदर्शन की शर्तें शर्त नंबर एक परमेश्वर पर भरोसा रख मैंने नीति वचन पिछली बार बताया था आपको नीति वचन उसका तीसरा अध्याय पाँच और छह पद तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरण संपूर्ण मन से यह हो आप भरोसा रखना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा यहाँ क्या लिखा है परमेश्वर पर भरो भरोसा रख भजन संहिता थर्टी सेवन वर्स थ्री कहता है उसके अलावा थर्टी टू वर्ष एट कहता है पद प्रदर्शन केवल विश्वासी के लिए है जिसने उद्धार प्राप्त नहीं किया है उसके लिए परमेश्वर की एक ही योजना है विश्वास कर और उद्धार पा so, मतलब दो तरह की योजना हो गई राइट right? पहली योजना आपके और मेरे लिए जो परमेश्वर की पूरी हुई वो क्या थी विश्वास कर और उद्धार पा और ये योजना प्रभु की पूरी हुई आपके और मेरे जीवन में right? राइट लेकिन इसके बाद आगे की जो योजना है वो इस पर निर्भर करता है क्या मैं उद्धार पाता हूँ क्या मैं प्रभु की बुलाहट में हूँ वन तो अगर ये बात है कि मैं मन फैलाता हूँ विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर की इच्छा को मैं जान सकता हूँ और वो क्या है सबसे पहले हर बात में हर परिस्थिति में सभी बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखा संबरी सेंट मी ही इस रिक्वेस्ट यदि हो सके तो परमेश्वर मेरे हस्बैंड को बदले उसके जीवन को बदले आप में से जिस किसी ने भी ये बात कही है वो जानता है मैं जानता हूँ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और मैं नहीं लेना भी चाहता और आई जस्ट मस्ट से हियर मैं यहाँ पर जरूर अच्छी अच्छी रीति से कह दूँ ये फेलोशिप संगति की है परमेश्वर के साथ बातचीत करने की है उस पर भरोसा रखने की है अगर आप पूरे मन से भरोसा रखते हैं यू विल गेट वाट यू नीड एक्चुअली आप वो प्राप्त करेंगे इसके बाद दूसरा पॉइंट है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना इसका अर्थ क्या है बहुत बात पढ़ लिया जाता है लेकिन समझ में नहीं आता सुख का मूल जानना मतलब यह है मेरे लिए जो भी कुछ उत्पन्न होगा वो परमेश्वर से ही उत्पन्न होगा आमतौर पर आपकी रोटी का मूल क्या है आपकी रोटी का मूल है वो किचन जहाँ पर आपके घर का सभी का खाना बनता है आपकी पत्नी हो सकती है आपकी माँ हो सकती हैं आपकी बहन हो सकती है या कोई और हो सकता है जो बहुत करीबी है आपका और वो आपके लिए सुबह शाम रोटी बना कर दे रहे हैं आपको खाना बना कर दे रहे हैं दैट्स द इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि वो आपके लिए और आप उनके लिए उस मूल सिद्धांत के भाग हैं राइट right? तीसरी बात परमेश्वर से अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ भजन संहिता थर्टी सेवन फाइव में लिखा है हमें उसमें पूर्ण और सुस्पष्ट विश्वास रखना चाहिए अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो यू नो मेनी टाइम व्हेन आई गेट ट्रबल स्टक इन द सिचुएशन बट आई डू जब मैं परिस्थितियों में पढ़ता हूं परेशान होता हूं तो मैं क्या करता हूँ कीपिंग क्वाइट सिटिंग ए साइड चुप हो जाओ और साइड में बैठ जाओ नो टॉक नथिंग एल्स नो वर्क या मैं अपने आप को बिजी रखूंगा अपने कंप्यूटर में दूसरी चीज़ों को देखने में हर वो चीज़ हमारे आसपास जो हो रही है उन सारी चीज़ों को देखने में दट्स ऑल और कुछ नहीं यही तो हमारा काम वाले एक और चीज़ है चौथा चौथी बात है परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो एज आई सैड जैसा कि मैंने कहा कीपिंग क्वाइट एंड सिटिंग ए साइट कुछ मत बोलो वो बोलो जो परमेश्वर ने आपको दिया है ये जो पूछा जाए उसी बात का जवाब दे एंड आप विन करेंगे आप हमेशा जीतेंगे वेल well, उसके बाद पांचवा जो भाग है आइए हम उस पर ध्यान देंगे पांचवा जो भाग है परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर दीजिए अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर दीजिए यदि आप समर्पित नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए कैसे काम करेगा एक ट्रैक्टर बीमा अगर वो खराब हो जाए उसका मालिक उसे कभी किसी को हाथ लगाने नहीं देता उसे चलाने नहीं देता और कोई उसे इस्तेमाल करे वो उसे गवारा नहीं होता ये ट्रैक्टर रिपेयर करने की जब ज़रूरत पड़ी तो वो उसे जो है आ, आ, सर्विस स्टेशन लेकर गया सर्विस स्टेशन वाले ने बहुत सारा काम किया साफ़ सफ़ाई की सब कुछ करने लगा और जब वो उस ट्रैक्टर की सीट पर बैठने लगा तो मालिक ने मना कर दिया बोले इस पर आप नहीं बैठ सकते क्योंकि ये मेरी सीट है ये इस पर मैं बैठता हूँ मेरे अलावा इस पर कोई नहीं बैठता आज के दिन तक नहीं बैठा और आगे भी नहीं बैठेगा क्योंकि ये मेरा है इनोवाट आपको क्या लगता है क्या होने वाला है वाला well, एक और बात जो है छठी बात सभी ज्ञात पापों और संसार से पृथक हो जाना यानी कि सारी बातें जो आप जानते हैं जो गलत हैं उनसे अलग हो जाओ और अपने आप को पवित्र करो और उनसे अलग रहो तब आप परमेश्वर की आवाज़ को और उसकी बात को सुन पाएंगे ये जो पाँच पॉइंट मैंने जो आपको बताए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो यदि आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ अच्छे नहीं है यदि आपके रिश्ते जो हैं लोगों के साथ अच्छे नहीं है देन यू आर गोइंग टू बी इन डिफरेंट मोड आप अलग ही परिस्थितियों में चले जाएंगे आई वो जस्ट वॉन्ट टू एनक्रेज यू ये पाँच पॉइंट को बड़ा ध्यान दीजिएगा अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिएगा प्रभु आपको बहुत अच्छा इस्तेमाल करे हम मैं आपको प्रेरित करूंगा यदि आपके मन में बोझ है तो विजनरी स्कूल के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनकी किताबों के लिए साथ ही साथ विजनरी स्टूडियो जो कि अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बदलने वाला है ऑडियो डबिंग के लिए जो कि ताकि हिंदी फिल्में हिंदी में मसीह फिल्में तैयार की जा सकें और साथ ही साथ इसके अलावा सौ लोगों का हर रविवार को खाना जो हम लोग बाहर बेचते हैं उनको खिलाने के लिए उन सब बातों के लिए भी प्रभु मार्ग खोले जैसा आपके मन में बोझ हो सारी ज़िंदगी सारी बातें यह हुआ के हाथों तो में सौंप दीजिए और वो मार्ग खोलेगा हमेन प्रभु आप सबके साथ हो जय से कि से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ लेट अस ज्वाइन टुगेदर। विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर